दर्शक बंधु आपण माने तो जानती कि ये मर्त्यमंडल प्राणी जमी कर्म करमी फल पाई बेले बेले एमती भी होता कि प्राणी तजे करमफल को परजन्म भोग करें गोटे कथा थय कि कर्म कर फल मिल से मनीष हो कि देवता समस्त प्रकृतिर यह अटल नियम को मानवा को ही पड़ता तेणु दर्शक बंधु आसतु आज आम यही छोट कहानी जाणी कि केमी जड़े ब्राह्मण निजर पूर्वजन्म करम फल जो यही जन्म कुक्र जन्म ने पड़ा। दिनकर घटना अयोध्या राज्य जड़े ब्राह्मण रोते से ब्राह्मण जनक स्वभाव बहुत लोभी और क्रोधी थे। से ब्राह्मणटी से ग्राम से ठाकुर मंदिर पूजा करती और भक्त मान जो दक्षिणा पाती से घर चलांती एमती गोटे दिन से ब्राह्मण जनक सका ठाकुर पूजा करिवारे विलंब होजा नकरी कारण से सका कि भी खाई नथांती तेणु से ठाकुर पूजा कर सारी खाइबे तरबर हो मंदिर को बाहर मंदिर में पहुँची देखिले जे गोटे कालिया कुकुर ठाकुर मंदिर सामने सोई कुकुर को मंदिर सामने सोईवार देखी ब्राह्मणटी क्रोधरे जली उठिले। से क्रोधरे जर्जरित होता पाखे पड़ता एक बाड़ी में कुकुरटी को जोर से गोटे पहार दे जहाँफल कि कुकुरटीर गोड़ भांगिगला कुकुरटीर गोड़ भांगिजी कारण असह्य जंत्रणा है तेणु कुकुरटी चिंता कला कि मु गोटे पशु बोली कौन मोसह एत अन्याय करते मोसह होन्यायर उचित विचार करा दरकार एमती भाभी कुकुरटी कांदी कांदी जा श्रीराम राजदरबार में पहुँचला। कुकुरटी प्रभु रामचंद्र को अति विनम्रर सहित प्रणाम करी कहिला हे रघुवर आपण तो प्रजान रंजक और धर्मपरायण राजा आपण शासन नीति को समग्र संसार प्रशंसा करे कारण आपण केबे भी कहा सहित अन्याय करना कि आपण राज्य कौन सी प्रजा केबे कहा सह अन्याय करना हेले आज आपण राज्यर जड़े व्यक्ति बिना दोष मत प्रहार कर मोर गोड़ी भांगिदेला। हे पुरुषोत्तम स्वभाव मु एक कुकुर होइथिबारु खाद्यर अन्वेषण में बुली बुली थकी पड़ी तेणु मु एक मंदिर प्रांगण रे छाई स्थान देखी सोई पड़ी हेले से ही समय से मंदिर पूजारी सेठारे पहुँचिले और मते सेठारु घोड़ोइबा लगी एक बाड़ी रे मोर गोड़ को बाड़ी देले जहाँ फल कि मोर गोड़ी भांगिगला। हे मणिमा कौन कुकुर जन्म पाइबाटा मोर अपराध भगवान मते कुकुर जन्म देइथिबारु मोर बुद्धि कुकुर भली तेणु मु मंदिर आगे सोई पड़ी हेले बिना दोषरे मते एत बड़ दंड देवाटा कौन ठीक। हे धर्मराज समस्त लोकों भली मुपण राज्य एक प्राणी और प्रजा मध्य तेणु आपण मोर अभिजोगर उचित विचार करवा आपण परम धर्म आपण जदि मते उचित न्याय नदेबे ताहले मु आपण राजदरबार सामने प्राणत्याग करदेवी दयाकरी मोर विचार करंतु। कुकुरटीर आकुल निवेदन शुणी प्रभु रामचंद्र कहिले हे स्वान महात्मा आपण व्यस्त हुंतु नाही आपण होइथिबा अन्यायर उचित न्याय विचार करा भगवान श्री रामचंद्र से ब्राह्मण को तांको सामनारे तत्क्षणात उपस्थित हेबाकु आदेश देले। भगवान श्री रामचंद्रंकर आदेश पाई ब्राह्मण जनक अति शीघ्र आसी रामचंद्रक राजदरबार में उपस्थित हेले। रामचंद्र ब्राह्मण को कुकुर सहित होइथिबा घटना विषय पचारिले रामचंद्रक प्रश्नर उत्तर देवाकु जाई ब्राह्मण देव कहिले हे महाराज ठाकुर पूजा विलंब होउथिबारु क्रोधर आवेगर आसी मु एही कुकुरटी को प्रहार करिछि एही कारणरु आपण मते जेउ दंड देबे ताहा मते स्वीकार अछि। ब्राह्मणर कथा सुनि सारिबा परे प्रभु रामचंद्र कुकुरटी को कहिले हे सन महात्मा ब्राह्मण तार निजर भूल को समग्र राजदरबार सम्मुखें मानिला तेणु राजधर्म हिसाब से ताकू आजीवन कारदंड और प्राणदंड को छाड़ी तुम्हें जो दंड कह ब्राह्मण को सही दंड मिल। कुकुरटी ब्राह्मण को दंड देवाक जाए कहला हे महाराज ए ब्राह्मण को दंड स्वरूप कालंजीन पर्वत भगवान शिवशंकर मंदिर छाड़ी दि जाऊ सेठे से भगवान शिवशंकर पूजार्चना कर बाकी जीवन व्यथित कर उपयुक्त दंड। कुकुर एमती अद्भुत दंड विधान शुणि समस्त आश्चर्य होगले रामचंद्र एपरी दंड विधान विस्मित हो कुकुरटी को पचारे हे स्वान महात्मा ये केमिति दंड कालंजीन पर्वतर तो भगवान शिवशंकर मंदिर को
ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଦଣ୍ଡ ହେଲା କେମିତି? ଓ ଆପଣ କାଳନ୍ଦିନ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କୁକୁରଟି କହିଲା, ହେ ରଘୁବର, ମୁଁ ଜଣେ କୁକୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି ଓ କାଳନ୍ଦିନ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲି। ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପୂଜା କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲି। ଅଧିକ ଧନ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ମୋହବାସ୍ନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲି। ଆଉ ମୋର ସେହି କୁକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ଜନ୍ମରେ କାଳିଆ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି ହିଁ ଅଧର୍ମ କରିବ ଓ ପରଜନ୍ମରେ ମୋ ଭଳି କୁକୁର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ଲୋଭ ଓ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳେ। ପୁଣି କୁକୁରଟି କହିଲା, ହେ ରଘୁବର, କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କାହା ଧନ ଖାଇ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଧନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ନଚେତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଧନକୁ ଖାଇ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ପରଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁରର ଏମିତି ଚତୁରତା ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସବୁ ସଭାଜନମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ ଓ କୁକୁରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।